वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल श्राफ टेक। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट योर फेसबुक पेज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फुल्ली दोस्तों एनालाइज बताऊंगा आपको अच्छे से कि कैसे आपको डिलीट करना है आपका फेसबुक पेज। दोस्तों मुझे पता है आप ये वीडियो देखने से पहले भी ट्राई कर चुके हो बट आपका फेसबुक पेज डिलीट नहीं हुआ है, देन आप इस वीडियो पे आए हो। वीडियो को पूरा देखिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फेसबुक अकाउंट पर जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख लो कि आपको होम स्क्रीन पे पहले क्लिक करना है यहाँ पे, एंड आपको आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल होगा और यहाँ पे आपका फेसबुक पेज होगा। तो आपको आपका फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेना है। फेसबुक पेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। देन सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक और सेटिंग पे क्लिक करना होगा। तो इस सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देन आपके पास छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये सबको स्किप करके पेज सेटिंग सबसे ऊपर है उस पर क्लिक करना है। तो पेज सेटिंग पे क्लिक करते हैं। पेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पूरा सा हिस्ट्री आ जाएगा। आपको फिर क्या करना है, ये सबको छोड़ देना है और सबसे नीचे में आना है। पेज एक्सेस आपको दिख रहा होगा, उसके नीचे और देख लेते हैं एंड एक्सेस एंड कंट्रोल। सो हमें जो काम है वो है एक्सेस एंड कंट्रोल का। और दोस्तों एक और आपको काम होगा पेज एक्सेस का। अगर आपके पास पेज एक्सेस नहीं है फिर आप डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि पेज के एडमिन आप ही होने चाहिए। देन यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे कहाँ गया एक्सेस एंड पेज कंट्रोल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एक्सेस एंड पेज कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है टेम्पोरली डिएक्टिव और परमानेंट डिलीट योर अकाउंट। सो दोस्तों आप यहां से अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों देखो अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, मुझे अकाउंट अपना डिलीट नहीं करना है। बट आपको इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन आपको होगा। आपको एक होगा ऊपर में टेम्पोरी डीएक्टिवेट और परमानेंट। तो अगर आप टेम्पोरी कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो गायब हो जाएगा। बट अगर आप कुछ टाइम बाद 2 महीना बाद 3 महीना बाद अगर वापस आना चाहते हो तो फिर आप अपना पासवर्ड से लॉगिन करके आप वापस लॉगिन कर सकते हो। बट दोस्तों उसके नीचे एक ऑप्शन होगा परमानेंट डिलीट योर अकाउंट। अगर आप इसके थ्रू अगर आप डिलीट करते हो तो आप फ्यूचर में कभी भी अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो आप यहाँ से सिंपली आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं इस वीडियो में। बहुत बहुत शौक है, लव यू ऑल।